Today we are going to talk about one more poem by Emily Dickinson, that is This Is My Letter to the World. This Is My Letter to the World मतलब world के लिए उनका जो letter है वो क्या है, उसमें वो क्या कहना चाहती हैं. ये जो poem है, as all we know that Emily Dickinson के जो एक American poetess थी, उनके जो mostly जो poem थी वो posthumously publish हुई थी, और उनमें से जो ये जो poem है This Is My Letter to the World, it was written around 1862. एंड इसमें भी जैसे बहुत सारी उनकी जो poem हैं उनमें dashes का use होता है, और बीच बीच में सेंटेंस के बीच में भी डैशेज का यूज़ होता है, दैट मीन्स एक लाइन के बीच में. तो मतलब उनकी पोम्स में काफ़ी डीप मीनिंग होता है. ये भी काफ़ी छोटी पोम है जिसमें दो ही स्टेंजा हैं, बट इनमें भी काफ़ी डीप मीनिंग है उनके. और ये जो पोम है इसमें वो क्या कहना चाहती हैं कि इसमें दिस इज़ माई लेटर टू द वर्ल्ड, वो एक लेटर लिख रही हैं, दैट मीन्स वो इस लेटर में क्या कह रही हैं कि वो आइसोलेशन को बता रही हैं कि वो कितनी आइसोलेटेड हैं. एज वी ऑल नो दैट एमिली डिकिंसन अपनी मोस्ट ऑफ द लाइफ वो उन्होंने मतलब आइसोलेटेड या फिर सोसाइटी से उन्होंने अलग रह के अपना टाइम स्पेंड किया था. सो इसमें वो उसी आइसोलेशन के लिए जो डीप फ्रस्ट्रेशन है उनकी, वो बता रही हैं कि वो वर्ल्ड से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वर्ल्ड उनसे, वो जो लेटर लिख रही हैं वर्ल्ड के लिए, लेकिन वर्ल्ड उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है. सो यहाँ पे बहुत डीप मीनिंग है इस पोम में. सो हम उस पोम को डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज़ माई लेटर टू द वर्ल्ड दैट नेवर रोट टू मी, दैट मीन्स कि वो मैसेज है या फिर वो जो पोम है वो अप्रोच है वर्ल्ड के लिए, लेकिन इवन जो वर्ल्ड ने उनको कभी भी कोई लेटर सेंड नहीं किया, दैट मीन्स उन्होंने, वर्ल्ड ने कभी उनको कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स वर्ल्ड ने उनको कोई मैसेज नहीं दिया. लेकिन वो एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि वो एक मैसेज, एक पोम या फिर लेटर जो है वो वर्ल्ड को दे रही हैं. द सिंपल न्यूज दैट नेचर टोल्ड विद टेंडर मेजेस्टी, और वो कौन सा मैसेज दे रही हैं या लेटर में क्या लिख रही हैं वो, तो वो सिंपल न्यूज है, दैट मीन्स जो कि नेचर ने उन्हें दी है. सो नेचर उसके मैसेज में बेसिक सी चीजें हैं, बेसिक फैक्ट्स हैं नेचर के, जो कि नेचर ने उन्हें बताए हैं, ऐसे जो बेसिक फैक्ट हैं. और नेचर ने उन्हें किस तरीके से बताए हैं, विद टेंडर मैजेस्टी, दैट मीन्स टेंडरनेस के साथ में, बहुत ही ग्रेटनेस के साथ में उनको ये मैसेज बताया है नेचर ने. और वो जो है वो सेम जो मैसेज है जो कि उनको नेचर ने बताया है, वो वर्ल्ड को बता रही हैं, वो वर्ल्ड को दे रही हैं वो मैसेज, उस वर्ल्ड को जिस वर्ल्ड ने उन्हें कोई मैसेज नहीं दिया. नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहती हैं, हर मैसेज इज कमिटेड टू हैंड्स आई कैन नॉट सी, फॉर लव ऑफ हर स्वीट कंट्री मैन जज टेंडरली ऑफ मी. दैट मीन्स कि हर मैसेज इज कमिटेड टू हैंड्स आई कैन नॉट सी, मतलब नेचर के हाथ वो जो उन्हें नहीं देख पा रही है, क्योंकि नेचर ने उन्हें वो मैसेज दिया है तो उनके जो हाथ है वो नहीं देख पा रही हैं, लेकिन उनका मैसेज जो है वो कमिटेड है, मतलब नेचर का मैसेज है वो. सो जो कि उन्होंने इनविजिबल हैंड से जो नेचर ने उन्हें दिया है, फॉर लव ऑफ हर स्वीट कंट्री मैन. सो वो कह रही हैं कि मतलब फॉर लव ऑफ, जो भी उन्हें प्यार करता है, जो भी नेचर को प्यार करता है, अगर आप नेचर को प्यार करते हो, सो माई स्वीट कंट्री मैन, माई सिटीजन्स, जज टेंडरली ऑफ मी, दैट मीन्स मुझे, अगर आप नेचर को प्यार करते हो तो वो सारे सिटीजन्स को कह रही हैं कि मुझे हार्शली जज मत करना, बहुत ही टेंडरली जज करना. दैट मीन्स मैंने जो मैसेज दे रही हूँ या वो नेचर ने मुझे दिया है, दैट्स वाई अगर आप नेचर को लव करते हो, प्यार करते हो नेचर से, तो मेरे फेलो कंट्री मैन, जो मेरे सिटीजन्स, मुझे जो है वो हार्शली जज मत करना, मुझे जज करना टेंडरली. सो आपको होप ये पोम पसंद आई होगी, काफ़ी छोटी पोम थी. होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन. प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल. पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कॉमेंट सेक्शन. सो थैंक यू.